सो हेलो एवरीवन, आज है 26 अप्रैल और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वेदांता लिमिटेड के बारे में। 276 रुपये पे ये शेयर ट्रेड करते हुए हमें दिखाई दे रहा है और आज हालांकि 1% की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। खबरों का जो सिलसिला है वो बाज़ार में जारी है। इस बीच बहुत सारे न्यूज़ जो है वो वेदांता को लेकर बाज़ार में चर्चे बने हुए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इस प्राइस रेंज पे अभी जब ये डाउन है तो क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और जो डिविडेंड है डिविडेंड को लेकर भी हम बातें करेंगे। तो अगर इससे पहले चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत वीडियोज़ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले 1 महीने की बात करूंगा तो लगभग 1.25% की इसमें तेज़ी, हालांकि जब डिविडेंड इसमें अनाउंस हुआ था 20 रुपये का तो इसमें करेक्शन आया था। डिविडेंड जो यहाँ पे एडजस्ट होते हुए दिखाई दिया था, उसके बाद धीरे धीरे शेयर में तेज़ी आ रही है। हालांकि इस बीच थोड़ी थोड़ी गिरावट भी है। पिछले 1 साल की बात करूंगा, फिर बीच में जो गिरावट आई थी स्टार्टिंग में, जो रशिया यूक्रेन ग्लोबल रीजनों के कारण यहाँ पे गिरावट आई थी, और उसके बाद यहाँ पे जो डिप्ट को लेकर जो खबरें आ रही थी वो भी कहीं ना कहीं स्टॉक को प्रेशर में डाली है, और इसके साथ ही स्टॉक में जो डिविडेंड भी अनाउंस हुई उस वजह से भी गिरावट आई। तो लगभग 1 साल में 33-34% की यहाँ पे गिरावट दिख रही है। बड़े यहाँ पे जो न्यूज़ है वो आ रहा है अनिल अग्रवाल, वेदांता जो रिसोर्सेस के चेयरमैन है, सो उनका एक बहुत बड़ा न्यूज़ आ रहा है यहाँ पे। देखिए, इनका जो ग्रोथ डेप्थ है वेदांता रिसोर्सेज, जो वेदांता ग्रुप की पेरेंट कंपनी है, तो अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्सेज रिड्यूसेस ग्रोथ डेप्थ फ्रॉम 7.8 बिलियन डॉलर से इन्होंने कम किया हुआ 6.8 बिलियन डॉलर, सी फर्दर डिलीवरिंग इन FY 2024। जो स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है, बिलियनर अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड द पेरेंट कंपनी ऑफ वेदांता लिमिटेड ऑन मंडे अनाउंस दैट इट हैज़ पेड ऑल इट्स मैन्युफैक्चरिंग लोन्स एंड बॉन्ड्स ड्यू इन अप्रैल 2023 एंड हैज़ दस रिड्यूसेस इट्स ग्रोस डेप्थ बाय अ फर्दर $1 बिलियन। तो देखिए, यहाँ पे जो इनका ग्रोस डेप्थ था, जो मेच्योरिटी हुआ था अप्रैल 2023 में, लगभग $1 बिलियन का यहाँ पे डेप्थ इन्होंने कम किया हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए और कंपनी के ऑपरेशन हेड के लिए। देखिए, वेदांता इससे पहले भी जो डेप्थ को लेकर के काफ़ी चर्चित था, काफ़ी खबरों में था, और जो इनके चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, इन्होंने भी बहुत ही कॉन्फिडेंटली मीडिया को बताया हुआ था कि जो डेप्थ है वो झूठ मूठ का इतना मतलब ये कोई भी डेप्थ नहीं हमारे लिए, ये हम जब जब चाहे तब पे कर सकते हैं। और देखिए, इनकी जो डेप्थ जो ये चुका रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके डिविडेंड स्ट्रैटेजी के ऊपर जाता है। इनकी जो कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, उनसे भी काफ़ी लगभग 1.5 बिलियन लगभग का इन्होंने डिविडेंड के रूप में ले लिया, और इससे पहले वेदांता में भी डिविडेंड अनाउंस हुए थे 20 रुपये का, और उससे पहले भी फरवरी में 12.50 रुपये का। तो ये डिविडेंड कहीं ना कहीं वेदांता को जो इनके डेप्थ चुकाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि भैया कंपनी पैसा छाप रही है तो डिविडेंड के रूप में निकाल लो और अपने डेप्थ को चुकाओ। तो एक बहुत ही अच्छी बात और एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी हम इसको कह सकते हैं। देखिए, जो इनका स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ कि ये इनको इनका जो कहना है कि जो जो हमारे ऊपर डेप्थ है वो वेरी कंफर्टेबल है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये जो मीडिया में चल रहा है, न्यूज़ चल रही है, वेदांता में डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, वेदांता लॉसेस में जा रही है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने एक अफवाह बताया है। क्योंकि और उन्होंने जो अपना बात को रखा है वो बात अपने कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने कंपनी अपने बात को रखा, और क्योंकि ये अच्छी बात भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनके हिंदुस्तान जिंक है उनसे भी 17-18 हज़ार करोड़ का डिविडेंड इन्होंने लिया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए, जो इनका जो सबसे बड़ा होल्डिंग होता है कंपनियों में वो प्रमोटर के पास है, तो प्रमोटर को एक बहुत बड़ा अमाउंट जाता है और उससे ये अपना डेप्थ चुकाते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात हम इसको कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, यहाँ पे 85% लोग बाइंग के रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 15% लोग सेलिंग के रिकमेंडेशन दे रहे हैं। कंपनी में जो डिविडेंड है ना भैया, डिविडेंड एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, 20 रुपये 50 पैसे का, 12 रुपये 50 पैसे का। इन्हीं हालातों में जो कम प्राइस पे ख़रीदते हैं, जिनका डीप में बाइंग रहता है, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है डिविडेंड से। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूँ तो भैया डिविडेंड से लोगों के बका झोलियाँ भर गई थी, 100 रुपये का डिविडेंड पे किया था,
सोचिए। और जिन्होंने मान लीजिए शेयर को पहले खरीदा था, कोविड के दौरान खरीदा था, जब बहुत ही सस्ते पे मिल रहा था, तो उनका जितने के प्राइस शेयर ने उससे कितने गुना ज़्यादा का तो इनको डिविडेंड ही मिल चुका है अब तक। कंपनी का रेवेन्यू में बात करूंगा 1,32,000 करोड़ के लगभग था, और जो लास्ट ईयर में जो भी मेटल से जुड़े हुए कंपनियाँ थे उनके भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पे देखने को मिले थे हमें। लॉकडाउन के टाइम वहाँ पे बढ़ा जरूर था, लेकिन अभी कभी डिमांड में सिंक आ रहा है, तो अगर मैं क्वार्टरली यहाँ पे रेवेन्यू दिखाऊँ तो जो बढ़े थे वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। जहाँ तक क्वार्टरली रिजल्ट की मैं बात करूँगा तो अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही कोई डेट अनाउंस होता है डेफिनेटली हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। बट अगर मैं यहाँ पे कहूँगा जो क्वार्टरली रिजल्ट है यहाँ पे जो 3 क्वार्टर से घटते नज़र आए थे, एटलीस्ट उनका बढ़ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर ऐसा होता है तो कंपनी अच्छे रेंज में आपको देखने को मिल सकती है और भी डिविडेंड आपको पे करती हुई दिख सकती है यहाँ पे देखिए। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट भी जो 3 क्वार्टर में घट रहे थे, और हालांकि जो सितंबर वाले क्वार्टर में 1808 करोड़ का था वो बढ़कर 2,464 करोड़ का हुआ था प्रॉफिट इनका यहाँ पे, तो इन्हीं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रॉफिट में और भी उछाल देखने को मिल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो कंपनी अभी आपको और भी डिविडेंड अनाउंस करते हुए दिख सकती है। और हालांकि इसमें उम्मीद भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये अच्छा कर रही है कंपनी, ऑपरेशन भी अच्छे से कर रही है, और जो इनका मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छे हद तक ठीक है, डेप्थ भी चुका रही है। पी रेशियो की बात करूंगा 7 रुपीज़ का यहाँ पे पी रेशियो है, सेक्टर पी 13.41 रुपये का है, 57% एनालिस्ट आपको बाइंग के रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो अभी भी ये स्टॉक सस्ता है, वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे 68.11% होल्डिंग है प्रमोटर का, लेकिन जो सारा है ना वो सारा गिरवी पड़ा हुआ है, मतलब जो गिरवी लेकर के डेप्थ लिया हुआ है इन्होंने। म्यूचुअल फंड में बात करूंगा 0.45% की होल्डिंग है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 9.75% की, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 7.89% की, और रिटेल और अदर की बात करूँ तो 13.80% की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे जो देखने वाली बात है, जो अभी का चार्ट शेयर पैटर्न है वो है लास्ट इसी मार्च का 2023 का, तो इसमें जो देखने को मिल रहा है कि जो प्रमोटर होल्डिंग है उन्होंने 1% के लगभग की बिकवाली करी हुई है, और म्यूचुअल फंड में ने भी बिकवाली करी है, हालांकि प्रमोटर ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो है वहाँ भी बिकवाली हुई है, हालांकि उनका ज़्यादा नहीं हुआ है बट वहाँ भी हुआ, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो है वहाँ पे भी बिकवाली हुई, हालांकि उनका बहुत ही कम छोटी क्वांटिटी में हुआ, लेकिन जो खरीदारी हुई है खरीदारी यहाँ पे देखने को मिली आपको रिटेल बंदों में, जो 9% की थी जो इनकी होल्डिंग 9.27 की पहले, वो अभी लगभग 11% की हो चुकी है, 11% की हो चुकी है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी रिटेल बंदे यहाँ खरीद के बैठे हुए हैं। देखिए प्रमोटर अगर यहाँ पे होल्डिंग सेल भी कर रहे तो कोई बड़ा, देखिए जहाँ तक अगर इन्होंने अगर बिकवाली कर रही है तो ये तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन अगर मैं कहूँगा अगर बिकवाली कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2% अगर इनका और भी कम हो जाता है तो, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है जो इनका डेप्थ है, जो भी 6-7 बिलियन का इनका डेप्थ है उसको घटा करके 1-2 बिलियन तक अगर ले आते हैं, और जो रिटेल जो इनका प्रॉफिट है आने वाले क्वार्टर में वो प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है, तो अगर ये दोनों चीज़ें होता है तो शेयर वापस फिर से वही रेंज में आपको आते हुए दिख सकता है 400-450 के लेवल पर। तो अगर आप खरीदारी करी है आपने इसमें आप बने हुए लंबे टाइम से तो बने रहिए, कंपनी आपको डिविडेंड पे करती रहेगी, और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आप इस टाइम पे भी कर सकते हैं, और 260 रुपये तक का लेवल भी आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी आप एवरेज करने का चांस आपको मिल पाएगा। और जहाँ तक की बात है बड़े होल्डिंग की और बड़े क्वांटिटी में बाइंग की, तो जो इनका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है उस टाइम तक आप वेट करो, क्वार्टरली रिजल्ट के बाद आप इसमें देखो ये क्या होता है, वो आपके लिए एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट में आती कंपनी तो भैया यहाँ पे गेम पे लड़ते हुए आपको देख सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन वेट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत वीडियोज़ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।